भूपेश सरकार द्वारा वित्त मंत्री से रुपयों की मांग करने पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने स्वयं ही साबित कर दिया कि वह झूठी है। कांग्रेस लगातार यह कहती रही है कि केंद्र उनके 55,000 करोड़ नहीं दे रहा है, लेकिन अब यह बकाया 7,000 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 48,000 करोड़ रुपए का झूठा बकाया राज्य ने जनता के सामने रखा था। इसके लिए कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। राज्य ने पेंशन के लिए 17,240 करोड़ की मांग की है, उसे बकाया नहीं बताया जा सकता। कर्मचारियों के हितों में घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस सरकार पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की भूपेश सरकार को भारत की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है केंद्र की सरकार ने, 1,50,000 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद भी ये छत्तीसगढ़ की सरकार प्रतिदिन केंद्र सरकार को अलग अलग मामलों पर कोसने का और आरोप लगाने का काम करती है। 1,50,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? छत्तीसगढ़ में कहीं विकास की कोई किरण सुदूर गांवों तक दिखाई नहीं देती। और आज हम मुख्यमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से कहते हैं कि केंद्र पर आरोप मढ़ना बंद करें और छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रख करके यहाँ के गरीब आदमी को कैसे सुविधा मिले, कैसे विकास कामों को हम ग्रामीण क्षेत्रों में अंजाम दें, इसकी चिंता करें।